फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी और मेरी चैनल में। तो अभी मैं अपने मायके का एक ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर आप लोग ब्लॉग देखिए, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले ब्लॉग देख लेते हैं और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं। মরে যাদু আর পরে আইজু আইসা বাটে আইজি মিখানা তো বাটা আছে দেখছি বইলি আউ ওরে দেখলি বেলে মালিটা দিলা বেলে দর্জি মিয়াও পড়ালি আমি জানা বাহার বাহার করবো দেখ আনি আই দিলি নাই গেছি নেই দেলে গো ডবা মাটি খিলা হ্যাঁ ডবা মাটি খিলা গো ডবজেন মাটি করে এখানে গাবলা আও থারে যাবো যে আও গোটে পাইব এখান হার পাইব জানলো কি হ্যাঁ। तो अभी अभी जो बात आप लोगों ने सुना, मेरी नानी बोल रही थी, तो वो बात ना क्या हुआ था कि मेरी नानी ना, मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि वो ना हमें भीख मांग के हम लोगों को पाला पोसा था। तो उस टाइम ना वो कहीं पे गई थी मांगने के लिए। तो वहाँ से जब आ रही थी ना, तो एक नदी था, तो वहाँ पे एक डिब्बा था जो कि उसको मिला था। तो उस डिब्बे में ना जो सोने का मतलब कुछ शायद हार टाइप का था, तो वो ना उसको मिला। तो वो फिर कोई नहीं था वहाँ पे, तो वो लेके आ गई थी। और बाद में ना वो जिसका था वो ढूंढ रहा था, जब क्योंकि वो जिस गांव में मतलब वो नदी जहाँ से वो लेके आई थी ना, उस गांव में उसका हमेशा जाना आना था। तो ना उसे पता चला कि जब वो लोग ढूंढ रहे हैं तो उसने फिर उनको दे दिया। तो वही बात आज वो हो कर रही थी। হে বসি তুই বরে পকাবু লেখা আছে তুই পড়বু আও যাম পূজা খুব নি হিজি বা তিন লোক কে সেন সেটা তো মেনে আছে আছে রকি কি তোমার কাছে হ্যাঁ কা করছ নানি কা করছ আম দাম হ্যাঁ তাম হয় তো সুগার হইছে পরে ঠকসু এ বা তার কাহার কি
और रिंकी जो है ना मेरी नानी के साथ हमेशा उसका हंसी मजाक चलता रहता है। और बस तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी कटहल की सब्जी, कटहल को मेरी जो बड़ी माँ है हमारे घर के पास तो वो काट दी है, तो बस अभी मम्मी बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए चूल्हे पे ही खाना बनता है, कभी कभार रहता है जब लकड़ी नहीं रहती ना तो ही गैस में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे कटहल के लिए जो मसाले हैं उसको भुना जा रहा है, उसके बाद जो कटहल है उसको इसमें डाल देंगे। वैसे तो मेरी मम्मी ना कुकर में सीटी नहीं लगाती है कटहल को, और ऐसे ही पकाती है, और ऐसे में अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा जैसे हम लोग थोड़ा सा पकने के लिए कुकर में 2 सीटी लगा लेते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है, लेकिन बस मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है इसी तरीके से, और मैं भी उसी तरीके से कभी कभार बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर ना सीटी लगा के ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी रहता है, तो इसीलिए। वैसे तो ये वीडियो जो है मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि रिंकी यहीं तक का ही वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जो है मैं कुछ प्रोडक्ट भी आप लोग को शेयर करूँगी। तो चलिए फिर प्रोडक्ट देख लेते हैं। अभी ना 1 से 6 जून तक बहुत अच्छे सेल चल रहे हैं अमेजोन पर, तो आप लोग ना ब्यूटी और फैशन के प्रोडक्ट पर बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोग को वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी एक जूती जो कि मैं ट्रेडमिल में वर्कआउट करने के लिए मंगाई हूँ। जब भी मैं वहाँ पे जो वर्कआउट करती हूँ ना तो उस टाइम मैं चप्पल पहन के ही करती हूँ, तो थोड़ा सा पैरों में ना दर्द रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक जूती मंगा लूँ। तो देखिए एक्सरसाइज के टाइम भी मैं इसको पहन लिया करूँगी तो अच्छा रहता है। तो ये इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, और मुझे 5 नंबर का आता है, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और एक प्रोडक्ट है ये देखिए, ये ना ज्वेलरी बॉक्स है जहाँ पे आपको लॉक का सिस्टम भी मिल जाता है, इसको पकड़ने का भी है। अगर आप इसमें अपने जो भी सामान कीमती सामान है जैसे सोने का चांदी का तो वो सब रख सकते हो, कहीं पे अगर लेके जाओगे तब भी आप इसको अच्छे से कैरी करके लेके जा सकते हो। देखिए इसका कुछ इस तरीके का सिस्टम है, तो सारा कुछ स्टोरेज इसमें दिया गया है रखने के लिए। इसके साथ आप लोग को एक चाबी भी मिलती है जो कि बाहर लॉक करने के लिए है। ये देखिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बस इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। अभी ना 1 से 6 तारीख तक, मतलब आज लास्ट डेट है, तो अभी आप लोग को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा फैशन और ब्यूटी के प्रोडक्ट पे, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए इसका कुछ इस तरीके का क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा सा। तो बस और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट का बैग है इसको मैं ना कुछ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट रहता है ना तो इसी के लिए मैं मंगाई हूँ। तो यहाँ पे जो LIC का जो भी रहता है कागजात तो वो सब भी इसमें आ जाएंगे। छोटा सा है मेरे पास लेकिन उसमें ना नहीं आता है ठीक से। ये देखिए इसमें भी लॉक का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो बस ये कुछ चीज़ें मैं अमेजोन से इस बार लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे स्टोरेज हैं जिससे आप बहुत कुछ जो भी आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया ये सब भी आप अच्छे से रख सकते हो। कहीं पर अगर ऑफिस के भी कागजात रखोगे और कहीं पर लेके जाओगे ना तो भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए ये क्लिप भी मैं मंगाई हूँ, ये क्लिप ना बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और इसका जो मतलब जो क्लिप है वो बहुत स्ट्रांग भी है और अच्छे से बालों में आ जाता है। तो बस ये बहुत सारे थे लेकिन अभी मैं लगा लगा के कृष्णा फिर इधर उधर कर देती है, तो ऐसे करके ये कुछ ही बचे हुए हैं। तो बस ये भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ किस तरीके से ये लगता है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद हस्बैंड के लिए लाई हूँ एक चश्मा,
वो बोल रहे थे बहुत दिनों से कि चश्मा मुझे ख़रीदना है बोल के, मैंने सोचा पहली बार ही मैं मंगाई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं मंगाई थी, मतलब चश्मा हो गया, जूती हो गया, ये सब नहीं मंगाई थी, बस ये पहला टाइम है जो मंगाई हूँ, बहुत अच्छा आया। तो बस ये कुछ प्रोडक्ट थे, डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो बस आज की जो छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और भी अगर आप लोग को ब्लॉग देखने हैं मायके का तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।